नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आशीष एजुकेशन समाचार चैनल पर। आज 6 अगस्त और साथियों इस समय के इस वीडियो के तहत शिक्षा विभाग और अन्य डिपार्टमेंट जुड़ी आपको 4 से 5 महत्वपूर्ण अपडेट दी जाएगी। तो सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, हर प्रकार की अपडेट के लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आइए जान लेते हैं इस समय की बड़ी खबरें। यहाँ पर सबसे पहले अपडेट, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक भरतपुर कार्यालय आदेश, विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वर्ष 23-24 में राज्य सरकार के आदेश अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को जमादार पद पर वर्ष 23-24 की रिक्तियों के विरुद्ध चयन उपरांत इन्हें जमादार पद की राजस्थान सिविल सेवाएं पुनरीक्षित वेतनमान के नियम 2017 पेम मेट्री लेवल 2 में पदोन्नत करुण के नाम के सम्मुख अंकित स्थानों पर पदस्थापित किया जाता है। इन जमादारों को 9 प्रतिस्थापित स्थान पर दिनांक 16 अगस्त 24 तक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्यगण करना आवश्यक होगा। कार्यगण अवधि में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की जाएगी। संबंधित कार्यालय अध्यक्ष संस्था प्रधान इनको अविलंब शाला दर्पण से कार्यमुक्त करते हुए कार्यमुक्त अथवा कार्यगण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे। और जो कर्मचारी पदोन्नति का परित्याग चाहते हैं संबंधित कार्यालय अध्यक्ष अथवा संस्था प्रधान उनसे लिखित में पदोन्नति परित्याग का आवेदन पत्र प्राप्त करें। आवेदन यहाँ पर प्राप्त न होने की स्थिति में दिनांक 16 अगस्त तक कार्यगण नहीं करने वाले कार्मिकों का स्वतः ही पदोन्नति से प्रत्याग मानते हुए प्रत्याग का इंद्राज कार्मिक की सेवा पुस्तिका में लाल स्याही से चयन वर्ष अंकित करते हुए कार्यालय को दिनांक 17 अगस्त तक भिजवाएं। आप देख सकते हैं ये बड़ी अपडेट यहाँ पर। और यदि किसी कार्मिक का वर्तमान प्रतिस्थापन स्थान परिवर्तन हो गया तो संबंधित अधिकारी आदेश प्राप्ति के दिन ही आदेश कार्मिक के वर्तमान प्रतिस्थापन स्थान पर भिजवाते हुए उस कार्यालय को सूचित करेंगे। और किसी कार्मिक के विरुद्ध सीसीए नियमों अथवा अन्य कारणों के तहत कार्यवाही विचाराधीन अथवा लंबित हो तो उन्हें कार्यमुक्त नहीं करें और इसकी सूचना इस कार्यालय को भिजवाएं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्मिकों की वो लिस्ट, वरिष्ठता क्रमांक, वरिष्ठता अवधि, कार्मिक का नाम, पद स्थापन स्थान, जन्म तिथि और पदोन्नति पर पद स्थापन स्थान, इस प्रकार से लिस्ट जारी हुई है यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक भरतपुर। ये लिस्ट आप देख सकते हैं और महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पर दिए हुए इनके लिए आप देख सकते हैं। यहाँ पर राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग 18/3/23 के निर्देश अनुसार चयनित अभ्यर्थियों में से कार्मिक जिसके दिनांक 1 जून 2002 उसके बाद 2 या 2 से अधिक संतान होने पर प्रथम बार पदोन्नति दी हुई है उसका वेतन चयन तिथि से पदोन्नति संबंधी पद के लिए नियत किया जाएगा। ये भी आप देख सकते हैं। और इसके बाद में अगली खबर, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर कार्यालय आदेश, राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2008 के नियम 19 और राजस्थान सिविल सेवा नियम 2017 के अनुसार स्कूल शिक्षा विषय इतिहास के 4 कार्मिकों को राज्य सेवा में वर्तमान पद पर कोलम संख्या 8 में अंकित निरंतर संतोषजनक सेवा अवधि पूर्ण होने पर इनकी एसीपी स्वीकृत की गई है। तो ये लिस्ट आप देख सकते हैं, व्याख्याता का नाम, जन्म तिथि, विषय, स्वीकृति तिथि यहाँ पर और स्वीकृत एसीपी। इसके बाद में अगले अपडेट, पटवारियों के 1963 पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने कहा है कि पटवारियों को रिक्त 1963 पदों पर भर्ती के लिए अर्थना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भिजवाई गई है और भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद रिक्त पदों को भरे जाने की कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार से यह लिस्ट या अपडेट देख सकते हैं पटवारी से संबंधित। और डॉक्टर भारचंद्री भजाल उन्होंने कहा है कि वीडियो के खाली पदों पर भी भर्ती सीटी ग्रेजुएशन के माध्यम से करवाने की रिक्वेस्ट ग्रामीण और पंचायती राज विभाग से प्राप्त हुई है। अब आगे देखते हैं इसको लेकर के क्या अपडेट आती है। और इसके बाद में खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती के चयनित अभ्यर्थी पहुंचे सचिवालय, नियुक्ति की मांग को लेकर सीएस ऑफिस में दिया ज्ञापन, 200 पदों के लिए हो चुके हैं अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन। ये आप देख सकते हैं। इसके बाद में अगली अपडेट, सीटी अब माइनस मार्किंग और 5 विकल्प भी होगा। समान पात्रता परीक्षा सीटी में 2 और बड़े बदलाव होंगे। इस परीक्षा में अब गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम लागू होगा। साथ ही अन्य भर्तियों की तरह किसी सवाल के जवाब के लिए 5 विकल्प इसमें मिलेंगे। अभ्यर्थियों को किसी सवाल का जवाब नहीं देने की स्थिति में 5 विकल्प को भरना जरूरी होगा और इन बदलाव के साथ सीटी का जो नोटिफिकेशन है अगले 3 दिन में कभी भी जारी हो सकता है। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इसका नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी में है और पिछले दिनों सरकार ने इस भर्ती में 40% अंक प्राप्त करने पर पात्रता देने का भी निर्णय लिया था। जैसा कि आपको विदित होगा बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने बताया इस भर्ती में गलत उत्तर देने पर अन्य भर्तियों की तरह 1/3 अंक भी काटा जाएगा। तो ये अपडेट सीटी को लेकर के। और सरकारी अंग्रेजी स्कूलों में खाली पद भरने के बहाने तबादलों का तोड़ निकाला, घर के पास पोस्टिंग के लिए 27,785 देंगे परीक्षा। परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर
ही अपने निकटतम महात्मा गांधी स्कूलों में पदस्थापन का मौका मिल सकेगा। श्री गंगानगर और अनुगढ़ की अगर बात करें तो 1784 आवेदन शिक्षकों का 100 अंक का ये पेपर होगा और मेरिट के आधार पर गृह जिला मिलेगा, जैसा कि आपको विदित होगा इसके बारे में। और आवेदनों का जो गणित है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो साथियों, ये थी इस वीडियो के तहत कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। साथियों, वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें और इसी प्रकार के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।